Namaskar, Ada, Satsyakal, good afternoon, everyone. You know, my grandfather always used to tell me, if you want to succeed in life and you want to move forward, do cheezon ka khayal rakhiyega. Joote comfortable lena taki khud ko na chune aur zuban wo chune jo dusron ko na chune. To maine socha आज की उनकी तमाम सच्चाइयां आपके साथ बयां करनी है तो क्यों ना अपनी ही नेटिव जुबान पर फेंका वो कंफर्टेबल होता है. जब मैंने जिक्र किया सच्चाइयों का तो यकीन मानिएगा सच ही बनूंगा क्योंकि मैं 80s का न्यूज रीडर हमारे वक्त में झूठ नहीं बोला जाता. अगर मैं बहुत ही इन अ ब्रीफ अगर मैं अपने बारे में बताऊं जिंदगी में आप जब भी एक अपने पतलून या कमीज सिलवाते हैं तो पहले कपड़ा खरीदा जाता है उसके बाद बटन खरीदे जाते हैं. मेरे करियर में कुछ उल्टा हुआ. मेरे यहां पर बटन को अप्रिशिएट किया गया उसके आसपास कपड़े सब दिए. जैसा कि आप जानते हैं बहुत मुख्तसर सा मेरा जो एक परिचय है मेरा एक तारुफ है. मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट लेकिन डेस्टिनी उर्दू में जिसे इत्तेफाक कहते हैं. मैं अपने कॉलेज में इसी तरह के ऑडिटोरियम में खड़ा था. कुछ लोग आए उन्होंने कहा कि साहब मॉनिटर्स इंस्टॉल कर रहे हैं प्रॉपर्ली दे वांटेड टू कैलिब्रेट द अकुस्टिक्स ऑफ ऑडिटोरियम एंड दे वांटेड एन ऑडियो चेक. मुझे कहा गया गोरे थे अमेरिकन थे USIA से आए थे. आप नियति इसलिए बोल रहा हूं डेस्टिनी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 60 आपकी तरह ही स्टूडेंट वहां पर घूम फिर रहा था देख रहा था ऑडिटोरियम में माइक्रोफोन और ये स्पीकर्स किस तरह से इंस्टॉल होते हैं. आप यकीन मानिए मुझे बुलाया गया एक है न्यूज समथिंग ऑन द माइक्रोफोन बेटा जो भी ऑडियो देख रहे हैं अगर इसकी कहीं से बिस्लिंग या फीडबैक कम हो सके तो बता दीजिए. सो मुझे बुलाया गया एंड आई वुड आस्क टू से समथिंग ऑन द माइक्रोफोन. तो मैंने जान के हिंदी में बोला ताकि गोरों का मजाक भी उड़ जाए और समझ भी ना. वो जो अमेरिकन था वो सीढ़ी लेके ऊपर चढ़ा हुआ था उसने तो जैसे मेरी आवाज सुनी वो कमबख्त नीचे आया मुझे कहता डू यू थिंक यू वेस्टिंग योर टाइम मैन. मैंने क्या बात कर रहे हो माँ बाप इतना खर्चा कर रहा है पढ़ाने के लिए भाई तुम बोल रहे हो आई वेस्टिंग माई टाइम सी मी टुमारो गुड गॉड ब्लेस यू. तो उन्होंने कहा कि साहब आप आइए USIS में अमेरिकन कर्जन रोड के ऊपर जिसे आजकल कस्तूरबा गांधी मार्ग कहा जाता है उसके बाद मुझे बुलाया गया. वहां से एक रेडियो स्टेशन था ब्रॉडकास्ट होता था VOA. तब तक मुझे नहीं पता था व्हाट इट स्टैंड्स फॉर. VOA स्टैंड्स फॉर वॉइस ऑफ अमेरिका. BBC सुना था. वहां गया उन्होंने एक स्क्रिप्ट दे दी मुझे पढ़ने के लिए. और आप तो जानते हैं कि जब आप साइंस के लिए ऑप्ट करते हैं तो 8वीं जमात में आफ्टर 8th स्टैंडर्ड यू आर नॉट सपोज टू टच हिंदी. अंग्रेजी मेरा माध्यम था मैंने अंग्रेजी में पढ़ना शुरू किया लेकिन जब वो स्क्रिप्ट मिली वो हिंदी में थी. मैंने हिंदी में पढ़ी. हिंदी के हेड थे शास्त्री जी उन्होंने कहा माशाल्लाह क्या पढ़ा है तुमने. मैं बात उस पर आना चाहता हूं कि जब कोई आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहता है तो सबसे पहले वो आपको एनकरेज करता है पैसे देकर. मुझे मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो हॉस्टल में आप रह रहे हैं 77 की बात है. मैंने जैसे ही पढ़ के बाहर निकला उन्होंने कहा एक छोटी सी गलती थी इसे दोबारा आप इसे दुरुस्त कर दीजिए. मैंने फिर से पढ़ा बाहर आया मुझे 77 में 100 रुपए दे दिए थे. उस जमाने में 100 रुपए का मतलब होता था 10,000 रुपए आज के. आपको सुनकर हैरानी होगी कि मैं उन 100 रुपए को अपनी मौजों में छुपा के जुराबों में छुपा के लाया चोरी ना हो जाए. अगर मेरे रूममेट को पता लग गया तो वो बियर की कैलकुलेशन करके 100 रुपए में बियर कितनी आती. तो इन तमाम बातों को छुपाने के लिए मैं फिर से कॉलेज में पढ़ना शुरू किया लेकिन अब चिंगारी भर चुकी थी. इस तरह से मेरी आवाज को रिकॉग्नाइज किया गया. रबड़ी मैं धीरे धीरे कमर्शियल्स की तरफ बढ़ा. व्हाइल डूइंग कमर्शियल्स मुझे दूरदर्शन वालों ने चुना. जर्नलिज्म से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था बट कहते हैं ना इफ यू वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग यू गॉट टू गो इन टू द वॉटर. मेरे साथ भी ऐसे हुआ.
मेरे दोस्त यार मुझे चुन लिया गया मेरी आवाज के बल बूते थे, वहां मैंने जर्नलिज्म की बारी क्या सी। एक बहुत सा क्रिशन सा क्वेश्चन पूछा जाता है जिंदगी में कि मिस्टर नारंग आज की न्यूज में शायद मुझे लगता है विषय भी कुछ ऐसा ही है कि आज के जमाने के जर्नलिज्म में, आज की न्यूज रीडिंग में, आज की एंकरिंग्स में और आपके जमाने की एंकरिंग में क्या फर्क है, या ये कह लीजिए मुख्तसर तौर पर कि आज के मीडिया में और उस जमाने के मीडिया में क्या फर्क है। ये बहुत इट्स वेरी क्विंट क्लिशे एक्चुअली बहुत पूछा जाता है। सो मैं दो चीजें कहता हूं जरा कि पहले जमाने में छाप के बेचा जाता था या बिकने के लिए छपता था, अब हम बिक के छपते हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। और जिस जमाने में हम लोग न्यूज पढ़ा करते थे उसका अहम फर्क एक और भी कि 70 साल का एक बुजुर्ग अपनी 14 साल की एक ग्रैंड डॉटर के साथ बैठकर न्यूज देख सकता, बिकॉज उस वक्त हम लोग महज न्यूज पढ़ने नहीं जाते थे। हमें कहा जाता था कि जिस न्यूज को आप पढ़ने जा रहे हैं उस पर अपनी प्रोनंसिएशन का ख्याल रखिएगा, अपने एक्सेंट का, डायलेक्ट का, कंटेंट का पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारे जमाने में, शायद डायरेक्टर साहब शर्मा साहब मुझसे इस बात से इतफाक रखेंगे कि उस जमाने में स्कूल कॉलेजेस में यह कहा जाता था कि यदि आपने अपनी जुबान में सुधार लाना है, यू वांट टू इंप्रूव, यू वांट टू वैलराइज योरसेल्फ द लैंग्वेज इज कंसर्न, लिसन टू दीज पीपल। तो हम लोग घर से जब निकलते थे तो ये सोच के निकलते थे कि हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो जाए। इस तरह से पढ़ा जाता। इसी वजह से हम लोगों की एक रिकग्निशन बनी, वी बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवन्स ड्राइंग रूम और लिविंग रूम। हमारी न्यूज में हमसे पूछा गया कि क्या साहब आप झूठ बोलते थे, हमने कहा बिल्कुल नहीं, हां सच छुपा लेते थे। बोलो हमारे सच छुपाने का एक रीजन होता हमारे वक्त में, हम चाहते थे कि वो सच इतना कड़वा ना हो कि वो इंस्टिगेटिव बन जाए, वो प्रोवोकेटिव बन जाए, उससे कुछ भड़क जाए, दुनिया भटकाव में आ जाए। आपको सुन के हैरानी होगी कि हमारी दोनों भाषाओं में भी फर्क डाला जाता था। अगर मेरी सिटी में राइट्स हुए हैं तो हिंदी में हम लोग छुपा लेते थे, मुझे मालूम है कि हिंदी की जो ऑडियंस है वो रिएक्टिव है, उनकी प्रतिक्रिया बहुत होगी, बहुत जल्दी भड़क जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होगा, समझदार लोग हैं। मैंने कहा, फिर न्यूज भी पहुंच गई और मैंने सकल रूप में बता दी। तो इन छोटी छोटी बारीकियों का पूरा ख्याल रखा जाता था और कहीं भी कुछ बेचने के लिए नहीं होता। हम लोग मजाक करते थे कि क्या कोई कभी ऐसा वक्त भी आएगा, नया नया क्रेडिट लाइंस चले थे, स्पॉन्सरशिप लाइंस होती थी, इसके प्रायोजक हैं फला फला फला, अपने आम सुना होगा। तो हम कहते थे माशाल्लाह कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि न्यूज के बारे में कहा जाए कि भाई समाचारों के प्रायोजक हैं पप्पू फॉर एग्जाम्पल। सो बड़ा हंसते थे हम लोग। पर यह हुआ, एक क्राइम शो आया अभी हाल ही में देखा, उसका नाम है जुर्म, जी हां, और जुर्म के प्रायोजक हैं बड़ा बड़ा अंडरवियर। तो सोचा भाई तो फिर इसका मतलब हम सोच तो गलत रहे नहीं, ये भी सोच रहे थे। अभी हाल ही में एक प्रोड्यूसर आया, मिस्टर नारंग आपको बड़ा तजुर्बा है, हम लोग इवन वेदर को भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते। अब आपने देखा होगा कि वेदर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए विजुअल इंपैक्ट बहुत अच्छा होता है। एक स्पॉन्सर्ड L&T का एक ट्रक होता है सीमेंट वाला, वो अलग अलग जगहों पर जाता है, उसमें टेम्परेचर आपका बदलता है, आपने देखा होगा। लगे नहीं ये भी बहुत पुराना हो गया, आप कुछ इंटरेस्टिंग बनाइए। व्हाट यू वांट टू टेल योर एंकर्स रीड वेदर। मैंने कहा माशाल्लाह कैसी बात कर रहे हैं जनाब, आप वेदर को आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते। नहीं नहीं कुछ सजेस्ट कीजिए। तो मैंने मजाक में कहा तुम ऐसा करो कि सुबह तक अनुमान दे के कोहरा छाया रहेगा, किसी का फायदा उठाकर कपूर साहब का लड़का चोपड़ा साहब की लड़की लेके भाग जाएगा। अब इससे मैं क्या इंटरेस्टिंग बना सकता। तो ये जो तमाम फर्क पड़े न्यूज के अंदर,
दूसरा जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा, अगर मैं बच्चों आपसे तो बात कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने मीडिया वर्ल्ड में अगर इस तरह की बात करता हूं और अपने इस वेदना को, इस दुख को, इस डिसअपॉइंटमेंट को अगर डिस्कस करता हूं, तो कहेंगे नारंग साहब अंगूर खट्टे हैं, अब आप उम्र हो गई माशाल्लाह, आप कर नहीं पा रहे तो इसलिए सब बोल रहे। लेकिन मैं जो पहला शब्द आपके साथ इस्तेमाल किया था कि 70 साल का बुजुर्ग अपनी 13 साल की पोती के साथ बैठकर न्यूज देखता था, उसका रीजन क्योंकि उस वक्त एक रेप की घटना को टीवी के ऊपर 40 बार रेप नहीं किया जाता, रेप जैसी नेगेटिविटी को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। आज हम इसी के मजे ले रहे हैं, हम ग्लोरीफाई नेगेटिविटी को कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भला तेरा झूठ मेरे झूठ से अच्छा कैसे, सुना था कि तेरी कमीज मेरी कमीज से बेहतर क्यों। लेकिन अब हम इस दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जिससे आप विरासती कहते हैं, हम उन फैक्ट्स उन सच्चाइयों के साथ खिलवाड़ कर छेड़छाड़ कर रहे हैं क्योंकि आसान है, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी टीआरपी बेहतर हो जाए आपसे। लेकिन ये गलत फहमी है उन लोगों की जो अब ये सोच रहे हैं, क्योंकि अब आप जैसी जनरेशन भी शायद न्यूज चैनल को न्यूज चैनल नहीं मान रहे, न्यूज चैनल है ही नहीं, अब इंफोटेनमेंट पैकेजेस है। कभी आपने सोचा था कि एक न्यूज चैनल में कवि सम्मेलन चल रहा है जिसमें स्पॉन्सर्ड पार्टी कहती है कि तुम इसके बारे में बोलोगे? क्या कभी आपने सोचा है कि सारी रात आपकी आंटियां मम्मी बुआ चाची बहन जियां सब सास बहू के शो देखती हैं, फिर उसी के एनालिसिस करने के लिए न्यूज के सामने फिर बैठ जाती है सास बहू और सास बहू? कमाल है, ये तो कमाल हो रहा है न्यूज के साथ, न्यूज कहीं नहीं है। मतलब मियर ने फला औरत को क्यों चाटा मारा, इस पर डिस्कशन हो रही है। तो ये जो अब आप न्यूज नहीं रहेगी, इंफोटेनमेंट पैकेजेस। मैं एक बहुत मजेदार बात आपको और बता, बहुत दुख की बात है ये। मैं बिहार गया, एक रिपोर्टिंग कर रहा था, रिपोर्टिंग एक फिल्म के लिए डायरेक्ट कर रहा था फिल्म को, तो हमारा नॉर्मली तारुफ कराया जाता है, अरे शम्मी नारंग आपने तो देखा हो ना, अरे हाँ अच्छा अच्छा। तो वहां पर न्यूज एंकर को ही पत्रकार कहा जाता है, तो एवरी न्यूज एंकर इज सपोज्ड टू बी जर्नलिस्ट। तो ने कहा अच्छा अच्छा, अरे ये है शम्मी नारंग जी, आपने पत्रकार है बहुत अच्छा बोलते थे। तो उन्होंने ये नहीं कहा यो कमिट चैनल कौन सी पार्टी से हो, इसन इट वेरी सैड, आज आपकी पहचान चैनल से नहीं हो रही पार्टी से हो रही है। तो कहने आप कौन सी पार्टी से हैं? मैंने कहा जी माता के जागरण पार्टी से, बेटे का था। मतलब बताइए कि आज आपकी पहचान किस तरह से हो रही है कि आप कौन सी पार्टी से हैं। अभी एक राहत इंदौरी साहब बहुत अच्छे एक शायर हैं, उन्होंने कहा कि वो हादसा बनकर बाजार में आ जाएगा, वो हादसा बनकर बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। सो यू कैन इमेजिन, और लोग आज आप जैसे इस तरह की भी दुआ कर रहे हैं कि मेरे मुल्क मेरी कौम का इतना भी ना मयार गिरे, मयार बेटा हमको कहते हैं स्टैंडर्ड को, मेरे मुल्क मेरी कौम का इतना भी ना मयार गिरे कि सुर्खियां देखकर हाथ से अखबार गिरे। सो आप लोगों को अब बचाना है। सो बेसिकली आप जैसी ऑडियंस को यू गॉट टू सेव इट नाउ, नहीं तो हम जिंदगी में हमारी सेंसिटिविटीज हमारी पेशेंस हम ऐसी चीजों को देख देख कर कितने प्रोडक्टिव होंगे कितने कंस्ट्रक्टिव होंगे कि अल्लाह मियां जानता मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे वालिद साहब मेरे फादर साहब एक और बात भी कहा करते थे, शायद आपको अच्छी लगे ये बात, जब हम कहते थे कि डैड बड़ी नाउमीदी है क्वाइट होपलेस नाउ, कि हर तरफ झूठ है हर तरफ असत्य है अनट्रूथ है, तो बड़ी खूबसूरत बात कहते थे कि देखो बेटा
किसी समाज में, किसी देश में, आपके इसी माहौल में अगर 95% अनट्रूथ है, असत्य है, तो 5% जो सत्य है वो इतना एम्पावर्ड है, इतना सशक्त है, इतना स्ट्रांग है, जिसने उस 95% असत्य को संभाला है। तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस 5% सत्य को दिल में पकड़ो। मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं आप में उसी 5% सत्य का हिस्सा देखता हूं। तो आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में आए हैं, इतना अच्छा पढ़ने के लिए आए हैं, माशाल्लाह अच्छी तालीम हासिल करेंगे, लेकिन तालीम कॉलेज तक ही महदूद रखेगा, वैल्यूज आज के चैनल से उठाने की जरूरत नहीं है। आप उसमें बात कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए, जहीन लोगों से मिलिए, ताकि जिस विरासती की हम बात कर रहे हैं, जिन फैक्ट्स की हम, जिस हकीकत की, जिस यथार्थ की हम बात कर रहे हैं, वो बचा रहे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं और कहता हूं, क्योंकि मैं आपके बीच में आया हूं, बहुत सारे लोग मुझसे, आप जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सिंस यू आर ऑल वंडरफुल स्टूडेंट्स, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, यू वांट टू स्टील द शो। सबसे अच्छी बात है, हमसे ये आम कहा जाता है कि मिस्टर नारंग आप हमेशा अच्छा बोलने पे तवज्जो क्यों देते हैं? आप क्यों कहते हैं कि अच्छा बोलिए, शुद्ध बोलिए, स्पष्ट बोलिए? हमने कहा इसको बुरा ही है, बोले नहीं नहीं आपके पास आवाज है माशाल्लाह, इसलिए आप बोलो। सो आई ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अमिताभ बच्चन। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में 3 ऐसे वॉइसेस हैं जिनकी वॉइस माशाल्लाह बहुत अच्छी, सुरेश ओबेरॉय, रजा मुराद, अमिताभ बच्चन। बट वाई एवरी टाइम अमिताभ स्टील्स द शो? बिकॉज ऑफ कन्विक्शन, क्योंकि वो कमबख्त झूठ भी बोलता है तो सच लगता है। आप देखते हैं जब उसके आप हिंदी सुनते हैं, आप उसी हिंदी को सुनने के बावजूद अंग्रेजी पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन यू आर स्टिल लुटी बच्चे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अच्छा बोलिए, शुद्ध बोलिए, स्पष्ट बोलिए, और अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छी बातों को सुनिए। इन्हीं बातों के साथ जाते जाते बस यही कहना चाहता हूं, अभी आपके सर को भी मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगा, कि मेहरबान होकर जिस वक्त चाहो बुला लो मुझको, मैं तो गया वक्त नहीं के फिर आना सकता। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।